कोटा जनपद में जिस महिला की हत्या में पुलिस ने उसके पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, वह 3 साल बाद लखनऊ से जिंदा मिली। पिछले 3 साल से उसके मायके और ससुराल वालों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। दोनों पक्षों ने महिला कप्ता की हत्या और अपहरण की आशंका जताते हुए एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस के कोई कार्रवाई न करने पर दोनों पक्ष हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने गोंडा पुलिस से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद गोंडा नगर कोतवाली पुलिस और SOG टीम ने कप्ता की तलाश तेज कर दी थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से शनिवार देर रात कप्ता को लखनऊ में उसके प्रेमी के घर से बरामद कर लिया। इसके बाद उसे गोंडा लाई। सोमवार को कप्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। गोंडा की नगर कोतवाली क्षेत्र में दुआ बाजार इलाका पड़ता है। यहां रहने वाले विनय कुमार की शादी 17 दिसंबर 2017 में नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिमरा शेखपुरा की कप्ता देवी 25 वर्ष से हुई थी। शादी के 4 साल तक दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 5 मई 2021 को कप्ता अचानक लापता हो गई। विनय कुमार ने कप्ता के गायब होने की सूचना उसके मायके वालों को दी। मायके वालों ने 26 मई 2021 को नगर कोतवाली में कप्ता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कप्ता का कुछ पता नहीं चलने पर मायके वालों ने उसके पति विनय कुमार देवर निरंजन रतन और ननद लाडो और सास कांति पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। जवाब में पति विनय कुमार ने भी कप्ता के भाई अखिलेश बहादुर, रिश्तेदार धर्मेंद्र उर्फ साहिल, अरविंद कुमार, अर्जुन कुमार, मीना देवी और गुड़िया के खिलाफ पत्नी का अपहरण कर बंधक बनाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। नगर कोतवाली और महिला थाने की पुलिस कप्ता को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच कप्ता के मायके और ससुराल वालों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस पर हाई कोर्ट ने गोंडा पुलिस को तलब कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कप्ता की तलाश तेज कर दी। पुलिस ने 3 साल से लापता कप्ता को लखनऊ के डालीगंज इलाके से बरामद कर लिया। वह पड़ोस के रहने वाले अपने प्रेमी सत्यनारायण गुप्ता के साथ घर छोड़कर चली गई थी। तब से उसके डालीगंज वाले घर में रह रही थी। इन 3 सालों में ना तो उसने ससुराल वालों को और ना मायके वालों को कोई अपनी खबर दी। कप्ता ने बताया 2021 में ससुराल से चली गई थी। मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे। मैं यहां से अपने पति का घर छोड़कर पहले अयोध्या गई, फिर वहां से लखनऊ चली गई थी। ददुआ बाजार के रहने वाले विनय कुमार से मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं लखनऊ में जहां रह रही थी वही रहना पसंद करूंगी। मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिलना चाहती। SP विनीत जायसवाल ने बताया नगर कोतवाली में 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिवार वालों ने बताया था कि उसकी बहू कप्ता कहीं गायब हो गई है। मायके वालों द्वारा ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। नगर कोतवाल के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था। 2021 में महिला गायब हुई थी। शनिवार को पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया। मेडिकल परीक्षण कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के फैसले के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना 2021 में थाना कोतवाली नगर पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक परिवार वाला द्वारा बताया गया था कि उनके घर की बहू गुमशुदा हो गई है। उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसी प्रकरण में जो ये कविता नाम की महिला गायब हुई थी, उसके मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत कराया गया था। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो लड़की के ससुराल वाले थे, जो गुमशुदा लड़की थी, उनके ससुराल वालों ने मायके पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए माननीय न्यायालय के माध्यम से 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस गुमशुदा महिला की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें थाना कोतवाली नगर SHO खुद विवेचक थे और उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। 2021 में ये शादीशुदा महिला गायब हुई थी और 2 दिन पूर्व भी ये महिला पुलिस की टीम द्वारा सकुशल लखनऊ से बरामद की गई है और इनका मेडिकल परीक्षण कराकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनसे विस्तृत पूछताछ इस संबंध में करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।